खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल टेढ़वा चिलौला लखीमपुर बाईपास सीतापुर। Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में भाजपा प्रत्याशी सहित 15 ने खरीदे नामांकन पत्र। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत ने हरदोई में किया नामांकन। फिर बात करेंगे सीतापुर में नामांकन के पहले दिन 190 पुलिसकर्मियों ने संभाला सुरक्षा का मोर्चा। खबरनामा के अंत में बात करेंगे कांग्रेस को अमेठी सीट पर झटका, प्रदेश सह समन्वयक विकास अग्रहरी ने थामा भाजपा का दामन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। तेईस अप्रैल को राजेश वर्मा के नामांकन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का 19 अप्रैल को सेवता में उतरेगा उड़न खटोला। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से बीआर अहिरवार हो सकते हैं बसपा प्रत्याशी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण में भाग न लेने वाले मतदान कार्मिकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। खीरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी ने किया नामांकन। खीरी के निगासन में शुक्रवार को उतरेगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का उड़न खटोला। कन्नौज लोकसभा सीट पर सपा को झटका, कुर्मी नेता संजीव कटियार भाजपा में हुए शामिल। बसपा सुप्रीमो ने झांसी प्रत्याशी राकेश कुशवाहा को पार्टी से किया निष्कासित, जिलाध्यक्ष भी बदला। खबरें जनपद सीतापुर से। चौथे चरण के लिए होने वाले नामांकन के पहले दिन 18 अप्रैल को 15 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र खरीदे। बता दें कि नामांकन पत्र 25 अप्रैल तक जमा किए जा सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे और 13 मई को मतदान होगा। नामांकन पत्र खरीदने वालों में भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा, निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रशेखर सिंह, गीता देवी, आजाद समाज पार्टी से लेखराज रोधी, आम जनता पार्टी से अनिल सिंह चौहान सहित 15 लोग शामिल रहे। इस दौरान आंख अस्पताल से लालबाग यानी अटल चौराहा तक मार्ग पुलिस छावनी में तब्दील रहा। चौथे चरण के तहत 13 मई को मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के लिए होने वाले मतदान को लेकर नामांकन के पहले दिन भाजपा से मौजूदा सांसद अशोक रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया। पहले भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के समर्थन में एक जनसभा हरदोई के गांधी मैदान पर हुई। मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी गिनाया गया। जनसभा के बाद अशोक रावत ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर, मंत्री नितिन अग्रवाल, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव सहित तमाम पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद रहे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप देखिए आई इंडिया।
सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं प्रत्याशी राजेश वर्मा ने गुरुवार को एक सेट में अपना नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, ललित श्रीवास्तव, चंचल उमेश अग्रवाल, महेंद्र बंगाली और गिरजेश गुप्ता मौजूद रहे। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा 23 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र भारी जुलूस निकालकर जमा करेंगे। इस दौरान राजेश वर्मा द्वारा शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। इसके अलावा भाजपा के और कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। विस्तृत खबर के लिए आइंडिया। सीतापुर की सेवता विधानसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का उड़न खटोला उतरेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के आवास पर पहुंचेंगे। यहां बूथ स्थलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए डिप्टी सीएम सीतापुर से भाजपा सांसद एवं बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। विस्तृत खबर के लिए देखें आइंडिया। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट की तरफ जाने वाले अधिकतर मार्गों पर पुलिस का सख्त पहरा रहा। कई राहगीरों को आने जाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासकर वाहन चालकों को इन मार्गों से गुजरने की इजाजत ही नहीं दी गई। कहीं कहीं पैदल राहगीरों को भी जाने से रोका गया। बताया जाता है कि प्रेमनगर और सिविल लाइन जाने वाली महिलाओं को रोक दिया गया। महिलाओं के मुताबिक वह सरकारी शिक्षक हैं, फिर भी उन्हें मार्ग पर से निकलने की इजाजत नहीं दी गई। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से बसपा जल्द ही अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर सकती है। बताया जाता है कि बसपा पूर्व आईएफएस बीआर अहिरवार को मिश्रिक से मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी बीआर अहिरवार के नाम पर 19 अप्रैल को मुहर लगा सकती है। बता दें कि पूर्व आईएफएस बीआर अहिरवार 2022 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विस्तृत खबर देखने के लिए देखें आइंडिया। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सांसद अशोक रावत ने गुरुवार को नैमिषारण्य पहुंचकर दर्शन पूजन किया। नामांकन से पहले मंदिरों में माथा टेका और आशीर्वाद दिया। भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत सबसे पहले चक्रतीर्थ पहुंचे। यहां पुजारी राजनारायण पांडे ने तीर्थ पूजन कराया। इसके बाद ललिता देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर में पुजारी भास्कर शास्त्री, पुजारी लाल बिहारी शास्त्री ने पूजन संपन्न कराया। इससे पहले उन्होंने निज निवास अटिया शाहपुर में पूर्वजों के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रवस्थी, आकिफ रब्बानी, राजकुमार सोनी, रंजीत रावत, प्रदीप दीक्षित, इस्माइल बेग आदि मौजूद रहे। शहर क्षेत्र के मलहुई स्थित दुलारी धाम मंदिर पर राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने भजन और कीर्तन सुनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया। जायसवाल परिवार सीतापुर द्वारा आयोजित जन्मोत्सव में मंदिर के पुजारी पंडित सोनू मिश्रा, सेवादास शिव नारायण दीक्षित की देखरेख में भक्तों ने पूजा अर्चना की। बालक गायक यशवी चौरसिया के भजन सराहे गए। पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, पूर्व चेयरमैन रश्मि जायसवाल, सचिन जायसवाल ने कार्यक्रम में शामिल होने वालों का आभार जताया। अंबर श्रीवास्तव, संदीप अग्निहोत्री, अभय श्रीवास्तव, राजेश तिवारी, अनुभव सक्सेना, सरताज खान एडवोकेट, आकाश सिंह और सुधीर शुक्ला सहित तमाम श्रद्धालुगण मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ता नुक्कड़ सभा के जरिए लगातार भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। भाजपा नगर 2 के शक्ति केंद्र फत्तनसराय में आयोजित नुक्कड़ सभा में नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र संयोजक शैलेश महेंद्र, पूर्व जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता, नगर अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह, आकाश राय, अनित मिश्रा, विजय शुक्ला, संतोष शुक्ला, महेंद्र बंगाली, ममता डोडिजा, ऋषभ त्रिवेदी, पंकज अवस्थी सहित तमाम कार्यकर्तागण शामिल हुए। पछुआ हवाओं का कहर जारी है। थाना थानगांव क्षेत्र के छतौनी और पठानपुरवा गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग में गृहस्थी का सामान और गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पठानपुरवा के राम प्रताप, राकेश, बाबूराम, विजय, रामाधार, प्रकाश सहित करीब 2 दर्जन घरों में रखा गृहस्थी का सामान आग की भेंट चढ़ गया। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ग्रामीणों के मुताबिक लगभग 20 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ ब्लॉक रेउसा के गोड़ियनपुरवा में बाबू प्रहलाद, पैकर्मा, गयादीन सहित 8 घर आग की चपेट में आ गए। इसके अलावा करीब 50 बीघा गेहूं की फसल भी आग की भेंट चढ़ने की खबर है। जिस विभाग पर वन संपदा को सहेजने की जिम्मेदारी है, उन्हीं पर वन संपदा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लग रहा है। थानगांव थाना क्षेत्र में चोरी की गई लकड़ी एक वनकर्मी के घर से बरामद हुई, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताते हैं कि थाना थानगांव इलाके के चंदौली निवासी क्षेत्र सहायक सियाराम के यहाँ से बरामद की गई लकड़ी की कीमत लाखों रुपये है। फिलहाल वन रेंजर बिस्वा अहमद कमाल सिद्दीकी ने आरोपी वनकर्मी से स्पष्टीकरण तलब किया है। विस्तृत खबर के लिए देखें आइंडिया।
लहरपुर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदीपुर में मतदाता जागरूकता संगोष्ठी संपन्न हुई। संगोष्ठी में वक्ताओं ने मतदान का महत्व समझाया और लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने के प्रति प्रेरित किया। संगोष्ठी में न्याय पंचायत जीतामऊ के शिक्षकों को संबोधित करते हुए आरपी अनवर अली ने कहा कि सभी शिक्षक अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आगे आए। संगोष्ठी में संकुल शिक्षक राजेश कुमार वर्मा, जुबेर वारिस, रामचंद्र वर्मा, विशुन कुमार वर्मा, ज्ञान प्रभा देवी, अजीत राजवंशी, आलोक कुमार आदि मौजूद रहे। एलिया ब्लॉक के देवई गांव में 20 अप्रैल को जय गुरुदेव के अनुयायी सत्संग और भंडारा करेंगे। जय गुरुदेव के अनुयायी शेर सिंह ने बताया कि बाबा जय गुरुदेव का आगमन 20 अप्रैल 1993 को देवई गांव में हुआ था। उसके बाद से ही यहां प्रतिवर्ष भंडारा और सत्संग का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस साल सत्संग भंडारे के समय दोपहर 12 बजे रखा गया है। तहसील क्षेत्र के ग्राम केसरीगंज में देवी भक्तों ने इस साल भी जागरण का आयोजन किया। बुधवार रात के जागरण में कलाकारों ने मनमोहक झांकियां भी सजाई। मठिया माता देवी मंदिर पर युवा दुर्गा जागरण समिति द्वारा आयोजित जागरण में बालाजी, राधा कृष्ण और भगवान के विभिन्न रूपों की झांकियां सजाई गई। मास्टर शिवम राज जागरण एंड झांकी ग्रुप पूरनपुर बलेरी के कलाकारों की सराहना की गई। सीएससी महमूदाबाद में तैनात डॉक्टर नंदलाल गुप्ता पर ड्यूटी के दौरान हुए हमले से स्वास्थ्य कर्मचारियों में रोष है। गुरुवार को सीएससी गोलनामो के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के सचिव डॉक्टर धीरज मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर नंदलाल गुप्ता पर ड्यूटी के दौरान हुए हमले के विरोध में चिकित्सक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। थाना कोतवाली मोहली क्षेत्र के हरैया फतेहपुर के 17 किसानों की फसल आग की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 80 बीघे गेहूं की फसल जल गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल अरुणेंद्र प्रताप ने बताया कि जलू ही फसल का मूल्यांकन किया जा रहा है। किसानों को आर्थिक सहायता नियमानुसार प्रदान की जाएगी। भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित लोकसभा संचालन समिति की बैठक में पार्टी की गाइडलाइन के बारे में बताया गया। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी नीरज सिंह ने पदाधिकारियों से अलग अलग बात करके लोकसभा चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की। अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि लोकसभा संचालन समिति द्वारा अपना काम समय पर किया जा रहा है। पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी मेहनत से फिर से भाजपा का कमल खिलाएंगे। मोहली तहसील क्षेत्र के सड़ियामऊ जाने वाले मार्ग पर अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा। धौरारा सांसद रेखा अरुण वर्मा के प्रयास से अंडरपास निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल रेखा वर्मा ने इसे लेकर सदन में मांग रखी थी, जिसके बाद अंडरपास निर्माण का रास्ता साफ हो गया। बताते चले कि इसे लेकर सड़ियामऊ के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी थी। सीतापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से अटल चौक से लेकर आंख अस्पताल तक पूरा मार्ग छावनी बना दिया गया है। पहले दिन गुरुवार को दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक मार्ग के दोनों मुहानों सहित संपर्क मार्गों पर बैरिकेटिंग कर प्रतिबंधित कर दिया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में 3 CO, 11 थाना प्रभारी, 24 SI, 26 हेड कांस्टेबल, 83 कांस्टेबल ड्यूटी पर मुस्तैद रहे। 46 महिला कांस्टेबल सहित कुल 190 पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा को लेकर मोर्चा संभाला। नामांकन प्रक्रिया की तैयारियां पूरी होने के बावजूद नामांकन के पहले दिन जिला निर्वाचन अधिकारी सीतापुर अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। इस दौरान अपर जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार सिंह, अपर जिला अधिकारी न्यायिक सुनील कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, CO सदर सतीश चंद शुक्ल, CO लहरपुर सुशील कुमार यादव, नगर पालिका सीतापुर के EO वैभव त्रिपाठी सहित तमाम पुलिसकर्मी व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. लोकसभा सामान्य निर्वाचन के उन मतदान कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने प्रथम प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया था। अनुपस्थित रहने वाले सभी 86 कार्मिकों को एक मौका देते हुए 20 अप्रैल को पुनः प्रथम पाली में प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। इस आशय की जानकारी सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक हरिश्चंद प्रजापति ने दी। उन्होंने बताया कि प्रथम प्रशिक्षण 18 अप्रैल को GD गोयनका पब्लिक स्कूल में 2 पालियों में संपन्न हो चुका है। प्रशिक्षण में कुल 347 पीठासीन अधिकारियों में से 3 अधिकारी अनुपस्थित रहे, जबकि 2053 मतदान अधिकारी में से 83 मतदान अधिकारी भाग लेने ही नहीं पहुंचे।
नगर खैराबाद के मां गौरी देवी मंदिर प्रांगण में नगर पालिका परिषद खैराबाद की चेयरमैन बेबी गुप्ता और उनके पति अभिषेक गुप्ता बबलू ने वैवाहिक वर्षगांठ पर कन्या पूजन किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद श्रद्धालुओं ने मां गौरी देवी से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सांसद राजेश वर्मा, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिलाध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। सीतापुर खैराबाद रेलखंड के मध्य संपार संख्या 71 स्पेशल पर मरम्मत कार्य कराया जाएगा। रेलवे ट्रैक की ओवरहॉलिंग का काम 19 अप्रैल की रात 11 बजे से 20 अप्रैल की शाम 5 बजे तक होगा। इस आशय की जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ की तरफ से दी गई। जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक मरम्मत कार्य के दौरान आवागमन बंद रहेगा। खैराबाद चुंगी से लहरपुर को जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग बाधित रहने से भारी वाहन और राहगीर अन्य मार्गों से गुजर सकेंगे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। खीरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी ने अपना नामांकन पत्र गुरुवार को जमा किया। खीरी सीट पर चौथे चरण के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। नामांकन के दौरान अजय मिश्र टेनी के साथ सदर विधायक योगेश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। पहले दिन भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश सिंह भदौरिया ने नामांकन पत्र खरीदा। खीरी लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा का जनसंपर्क लगातार जारी है। गुरुवार को उन्होंने क्षेत्र के कई गांवों में संपर्क कर बसपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर सुलझाने का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने बसपा सरकार के समय की योजनाओं का भी जिक्र किया। निगासन क्षेत्र के लुधौरी का मजरा तांडा पश्चिम में करीब 3 दर्जन घरों की गृहस्थी आग की भेंट चढ़ गई। अग्निकांड में लगभग 40 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग में गांव के करीब 30 घरों को अपने आगोश में ले लिया और जब तक आग पर नियंत्रण पाया जाता तब तक नकदी समेत घरों में रखा अनाज कपड़े आग की भेंट चढ़ गए। अग्निकांड में पप्पू सिंह, मान सिंह, प्यारेलाल, राधेश्याम, कंचन, सुनील, विनोद, चेतराम, राम सिंह आदि के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए आई इंडिया का खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का उड़न खटोला शुक्रवार की सुबह 11 बजे खीरी के निघासन में उतरेगा। डिप्टी सीएम निघासन के ऊषा इवेंट गार्डन में भाजपा के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगमन को लेकर कस्बे के प्लाईवुड फैक्ट्री के पास हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। हेलीपैड पर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी अरविंद गुप्ता, संयोजक दयाशंकर मौर्य, अशोक तिवारी, संगमलाल मिश्रा, विनोद मौर्य आदि मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए ड्यूटी पर लगाए गए पुलिसकर्मियों को एसपी गणेश प्रसाद साहा ने रवाना किया। एसपी ने इस दौरान पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद खीरी से प्रथम चरण में 31 निरीक्षक, उपनिरीक्षक, 398 मुख्य आरक्षी भेजे गए। इस क्रम में द्वितीय चरण के लिए 21 निरीक्षक और 444 मुख्य आरक्षियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। एसपी ने बताया कि यह सभी पुलिस जवान बिजनौर और बुलंदशहर में होने वाले मतदान को संपन्न कराएंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में खीरी एसपी गणेश प्रसाद साहा भ्रमण कर सुरक्षा का जायजा लेते रहे। नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए उन्होंने न कि सघन निगरानी की बल्कि मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उनके साथ सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी, प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। वासंतिक नवरात्र पर स्थापित की गई दुर्गा प्रतिमाओं को गुरुवार को गाजे बाजे के साथ विसर्जित किया गया। विसर्जन से पहले गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद शारदा और घाघरा नदी के तट पर प्रतिमाओं को विसर्जित कर दिया गया। शोभा यात्रा में भक्तों ने मां के जयकारे लगाकर वातावरण को भक्तिमय कर दिया। खमरिया क्षेत्र के 1.5 दर्जन घरों में आग ने तांडव मचा दिया। पछुआ हवाओं के बीच लगी आग से घरों में रखी गृहस्थी आग की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों के मुताबिक लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मिलनिया गांव में लगी आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जाता है कि आग गाँव के उत्तम के घर में लगी थी, जिसके बाद फूलमती, रामदयाल, कोमल, रामनाथ, उमाशंकर, सुंदरलाल सहित करीब 1.5 दर्जन घर आग की चपेट में आ गए।
अब नजर डालते हैं निर्वाचन से संबंधित खबरों पर। मतदान फर्जी है या सही, इसकी पहचान करना अब और आसान हो गया है। संदेह होने पर सिर्फ 2 रुपये की रसीद कटवाकर ऐसे मतदाता के लिए चैलेंज कर सकता है। पीठासीन अधिकारी की जांच में अगर मतदाता गलत पाया गया तो उस पर FIR दर्ज कराई जाएगी। आयोग ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर अक्सर फर्जी मतदान की शिकायतें सामने आती रहती हैं। चुनाव आयोग ने वोटर पहचानने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के 4थे चरण में होने वाली लोकसभा सीटों के लिए गुरुवार को नामांकन पत्र खरीदने और जमा करने का काम शुरू हो गया। 4थे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 13 मई को ही वोट डाले जाएंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल आयोग ने निर्धारित कर रखी है। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 29 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 4थे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरारा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच लोकसभा सीटें शामिल हैं। जनपद बिजनौर में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 16 पर आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 20 ई रिक्शा चालक BSP का बैनर झंडा लगाकर रैली निकाल रहे थे। इस संबंध में कोई अनुमति पत्र नहीं दिखाए जाने पर कार्रवाई की गई। उधर मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी प्रिया सरोज पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया गया है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 8 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चुनाव के लिए 60 कंपनी PSE बल, 220 कंपनी CAPF के जवान तैयार किए गए हैं। मतदान में 6,018 निरीक्षक, 35,750 मुख्य आरक्षी और 24,992 होमगार्ड निगरानी रखेंगे। वोट के लिए 7,689 मतदान केंद्र और 14,849 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 248 जगहों पर बैरियर लगाकर नाकाबंदी की गई है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी की चर्चित लोकसभा सीट अमेठी सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश सह समन्वयक विकास अग्रहरि ने कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए भाजपा का दामन साथ थाम लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र ने उन्हें पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। बता दें कि विकास अग्रहरी राहुल गांधी का चुनाव प्रचार संभालते थे। बसपा ने लोकसभा चुनाव के बीच प्रत्याशी को बाहर का रास्ता दिखाकर सबको चौंका दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने झांसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी राकेश कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में यह ऐसा पहला मामला सामने आया है जहां पार्टी ने उम्मीदवार को ही निष्कासित कर दिया हो। बताया जाता है कि प्रत्याशी के गुटबाजी की वजह से राकेश कुशवाहा पर यह कार्रवाई की गई। बसपा ने झांसी के जिलाध्यक्ष को भी हटा दिया है। अब जयपाल अहिरवार की जगह BK गौतम जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद ST हसन का टिकट कटने के बाद से सपा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव को इसका एहसास भी हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे जहां उन्हें ST हसन के समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समर्थकों को विश्वास दिलाया कि आगे जब भी कभी भी मौका मिलेगा तो डॉक्टर ST हसन को पूरा सम्मान दिया जाएगा। कन्नौज दौरे से पहले अखिलेश यादव को एक करारा झटका लगा है। अब कुर्मी नेता संजीव कटियार सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। कन्नौज के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजीव कटियार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि संजीव कटियार के साथ बड़ा जनसमूह है जिससे BJP प्रत्याशी को कन्नौज सीट पर बड़ी सफलता मिलेगी। पश्चिमी यूपी में छत्री समाज की नाराजगी ने भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। उधर राजपूत समाज की नाराजगी को देखते हुए इंडिया गठबंधन छत्री समाज पर डोले डालने की कोशिश में जुट गया है। सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने छत्री समाज को लेकर एक ऐसी पोस्ट की है जो सुर्खियां बन गया है। दरअसल बुधवार को प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया था। इस रोड शो में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल हुए थे। अनुसूचित जात के लिए आरक्षित आगरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल उन्हें जारी हुए जाति प्रमाण पत्र को लेकर फिर से सवाल खड़े हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर समाज सेवा के ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल सोरी ने इस मामले में मंडलायुक्त से शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि SP सिंह बघेल ने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग किया है। CBI की एंटी करप्शन ब्रांच ने रेलवे विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लखनऊ टीम ने देवरिया में जिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया है उस पर रेलवे कर्मचारी से घूस मांगने का आरोप है। आरोप है कि सेक्शन इंजीनियर संजय कुमार रेलवे कर्मचारी चंद्रकेश से ट्रांसफर होने के बाद रिलीव करने के एवज में 50,000 की रिश्वत मांग रहे थे। CBI के डिप्टी SP लखनऊ यूनिट विपिन कुमार सिंह के निर्देश पर CBI की टीम ने यह कार्रवाई की है।
रिश्वत मांगने के आरोप में इसी तरह सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन टीम ने एक और कार्रवाई की है। टीम ने महाराजगंज के आनंद नग सब डिवीजन के एसडीआई आलोक चौधरी के खिलाफ 20,000 रुपये घूस लेने के मामले में केस दर्ज कराया है। यह केस भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत लखनऊ के एसीबी थाने में दर्ज कराया गया है। यह कार्रवाई डाक सहायक मनोज कुमार विश्वकर्मा की शिकायत पर की गई है। ब्रजमनगंज के डाकघर में तैनात डाक सहायक मनोज कुमार विश्वकर्मा ने मामले में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा पर लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए जाने लगे हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। उन्होंने बीजेपी पर प्रधान और बीडीसी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए दबाव बनाने के आरोप भी जड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा क्षेत्र नगीना में अतिरिक्त पर्यवेक्षक नियुक्त कराने की मांग की है। यह था आज का खबरनामा, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।